नाम क्या है? चंद्रमा प्रसाद भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का। वोटिंग में आपके यहीं की है मतलब? वोटिंग तो दिल्ली की है। दिल्ली की है, वहाँ भी है लेकिन तो वहाँ मतलब हम नहीं जा पाते, यही बताते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का घर से तो कोई वोटर होगा? हाँ, बड़े लोग, बहुत लोग हैं। क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे? उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस समय जो है जो भी माहौल है योगी सरकार के लिए ठीक नहीं है, मतलब जनता उनसे खुश नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि योगी सरकार ही जीते? नहीं जीतेगी, जीतेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे करप्शन है जो दिखाई नहीं देते हैं लोगों को, ये दिक्कत है। वो तो कह रहे हैं कि 70% योगी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश का। कहने दीजिए, वो तो कहने वाले सब सबके अपने अपने सपोर्टर हैं, तो उस नाते हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन तो ये है कि योगी सरकार इस बार जाने वाली है। पक्का जाएगी? पक्का। कौन आएगी? श्योर, सपा के लोग कह रहे हैं सपा आएगी। क्या सपा के बारे में क्या कुछ अच्छा लगता सपा, है? सपा क्या इस बार सपा का लगभग 90% बोल सकते हैं आप चांस है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे देखिए हिंदू मुस्लिम का अगर मैटर नहीं बनाए लोग तो जनता को कम से कम गुमराह कर देते हैं, समझ रहे हैं ना? जब गुमराह हो जाती जनता तो कहती है कि नहीं हिंदू, भाई हिंदू कब रहेगा? जब सब लोग रहेंगे तभी तो हिंदू का वर्चस्व बढ़ेगा, क्यों? तो ये हिंदू मुस्लिम का काफ़ी फैक्टर बना हुआ है हर चुनाव में लगभग। क्या आपको भी लगता है क्या कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम को भिड़ा कर वोट बैंक जीत जाती है? भिड़ाती है, भिड़ाती है। अखिलेश सरकार नहीं भिड़ाती? नहीं, देखो वो तो सबके लिए, सरकारें तो सबके लिए काम करना चाहिए, जो भी मतलब सरकार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी वर्ग का हो, सबके लिए जो है मतलब काम करना चाहिए। और इस सरकार में तो लोग ज़्यादा ही मतलब ये जो कोरोना काल का जो संकट था उसमें काफ़ी जो परेशान हुए हैं लोग, जो सरकार जो सही ढंग से अपनी जो कर्तव्य का पालन करना चाहिए नहीं कर पाई है, ये है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेके आपका क्या कहना है? सुरक्षा व्यवस्था मतलब ठीक है, लेकिन 100% अगर मार्क देना हो तो नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को अगर लेके बात करें तो असुरक्षित में तीसरे नंबर पे आती है असम और दिल्ली के बाद। असम और दिल्ली के बाद तो क्या कहना होगा? अभी तो देखिए कितने जो कांड हो गए हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, तो ये सब तो गिने जाएंगे ना। जब गिने जाएंगे तो एटोमेटिक लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर सरकार जो है थोड़ा सा इस मामले में ढीली है। सख्ती अगर एक आदमी के साथ कर दिया जाए तो दूसरा करने का कोई आगे कदम न उठाए, तो यही दिक्कत आ जाती है कि एक को छोड़ दिया जाता है, किसी सरकारों का वर्चस्व उनको मिलता है, उनका प्रभाव पड़ता है कि हमारे लोग हैं इनको बचा लिया जाए, नहीं तो बड़ा मामला और होगा, तो इस नाते जो और लोग कर जाते हैं कांड, समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। योगी सरकार से अब तक आपको जो घाटा सहना पड़ा हो? देखिए घाटा तो देखो नुकसान आप देख ही रहे थे कोरोना काल के संकट में। कोरोना काल तो एक वो हो गया कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गई, वर्ल्ड वाइड हो गई ना, इसमें जो है रोजगारों का ज़्यादा मैटर है, जहाँ लोग बाग जो है अच्छे तरीके से जी पा रहे थे, आज जो है नौकरी नहीं है, पहली बार नौकरियों के ऊपर अटैक हुआ है प्रकार से समझ लीजिए तो। और जब नौकरी नहीं होगी तो लोग बाग मध्यम श्रेणी के लोग नौकरी पर डिपेंड है ज़्यादा, बिजनेस उतना का है नहीं, तो इस तरह की समस्या है। अभी आपने रोजगार की बात करी तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 72,000 या 74,000 जो है नौकरी युवाओं को देने का घोषणा किया था। घोषणा किया था, घोषणाएं तो होती रहती हैं, पेपर में भी लिखे जाते हैं, तो घोषणाएँ होती, जब तक वो क्रियान्वित न हो तब तक उसको आप कैसे किस एंगल से समझ सकते हैं। देखो सरकारें तो क्यों करती हैं ऐसा कि घोषणा कर देती है, लोग जो है उसी के झुकाव में आते हैं। अभी भी वैकेंसियाँ जो हैं इतनी खाली हैं उत्तर प्रदेश में कि आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो है लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जो बेरोजगार है, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो समझिए कि बेचारे भटक रहे हैं, वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी के पहले जो है पर्चा लीक हो जाता है, जब लीक हो जाता है तो बताइए कि वो फिर वो दूसरी बार जो है कोई उसका वो नहीं होता, फिर बेचारे वैसे हो जाते हैं। अभी शिक्षा भर्ती में करीब टीचरों का उसमें काफ़ी घपला हुआ है, घपला का मतलब समझ रहे हैं कि चिन्ह चिन्ह कर पहचान पहचान करके उन मतलब सेलेक्ट किया गया है, और जो मतलब तेज तराज मतलब लोग थे मतलब वो बेचारे जो है नहीं पहुंच पाए, चिन्हित करके मतलब एक प्रकार से कहिए तो वो जो है रोजगार दिया है इसमें टीचर में।
इस तरह से है। तो मतलब कन्फर्म है कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार गई ये 100% लिख लीजिए। मेरा नाम जो है, मैं बनारस से ही हूँ। मोदी सरकार की बड़ी प्रशंसा लोग पहले क्यों करते थे कि एक बार सरकार जब फेलियर होती है तब विकल्प खोजती है जब विकल्प खोजती है तो विकल्प में मोदी सरकार आई और झूठ ऐसा बोली कि ऐसे झूठ बोली कि कोई ऐसा सरकारी प्रधानमंत्री कितना भी हुआ वो हम लोग देखे हैं। जब से आज़ादी के समय के आज तक का दिन जो हुआ है उसमें सबसे झूठ बोलने वाले तो हमें लगता है भाजपा के मेन मुखिया ही हैं। क्या कुछ झूठ बोला? अरे भाई साहब, अभी आप क्या बताऊं, जो झूठ गिनवाओ हमें भी जरा, दर्शकों को भी पता चले। दर्शकों को यह बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखो, जब लाचार और बेकार जब पब्लिक होती है तो जब पार्टी कोई नया आ जाती है तो वो कहती है कि मैं आपको ये दूंगा। जब कुछ आश्वासन देते हैं कि मैं आपको नौकरी दूंगा, 2 लाख नौकरी जो है, 2 करोड़ था बताइए और 15 लाख खाते में आएंगे। जब लोगों ने सोचा, गरीब जनता क्या समझती है? नहीं, कई लोगों ने तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके जो है अकाउंट में 15 लाख रुपये आए हैं। कई दावे जब प्रमाणित हो तब ना। अच्छा। बोलने वाले जैसे आप, हम जैसे सपोर्ट करते हैं भाजपा को। अच्छा। तो हम तो बोलेंगे भाई मेरे खाते में भी आया है। अच्छा। ऐसा बोल सकते हैं? तो वो भाई साहब तो कह रहे थे कि भाजपा आना निश्चित है, वो भाई साहब बोल रहे भाजपा निश्चित आएगी उत्तर प्रदेश में। देखो, आने के तो सरकारों को चेंज होना जरूरी है। सरकार जो है अगर चेंज न होती रहे तो वो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम पैदा करती हैं। उनको चेंज करना चाहिए हर 5 साल में। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है राजनीति गलियारों में से कई सारे मुद्दों को काट दिया हो वोट लेने के लिए, जैसे धारा 370 हो गया और राम मंदिर हो गया, 3 तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया। काम देखो, जनता को काम चाहिए। हाँ। और ये सब चीज़ें तो सरकार के जो मतलब उस तरह की चीज़ें नहीं, पब्लिक के लिए कुछ वो चीज़ है कि जो नौकरी हो, मतलब उनके लिए रोजगार हो, धंधा व्यापार हो, ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। अदरवाइज जो है ये सब चीज़ें सरकार करती रहे उसको कौन उससे ज़्यादा लाभ हानि होने वाली है। अब जनता को लाभ तो उससे होना है कि अगर कुछ मतलब यहाँ फैक्ट्री कल कारखाने अगर खोल दिया जाए, वहाँ पर लोग जो मतलब उनको रोज़गार मिल जाए तो सारी मंदिर मस्जिद सब कुछ अच्छा लगेगा। पैसे जब घर में आने लगते हैं ना तो आपके बगल में मंदिर खुल जाएगा, वहीं पर पूजा पाठ करने लो, जय श्री राम जय श्री राम जय राधे श्याम। तो ये तो जब पेट भरता है तब अच्छा लगता है। बहुत नाराज़ हो भाजपा से इस बार? नाराज पहले तो खुश थे कि चलो कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन अभी जो है नाराज़गी बहुत कुछ कहने के लिए बाकी है। लेकिन बस यही है कि इस बार चेंज हो जाना चाहिए, मतलब योगी गई सत्ता निरंकुश ना हो। अच्छा। इस नाते उनको जो है 5 साल में चेंज कर दो। अदर बहुत काम करने वाले मतलब देश के अंदर हैं जो कुछ अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप एक तरह का कंटिन्यू सर्विस देने के लिए बोल दोगे ना तो वो निरंकुश हो जाते हैं, फिर अपने मन की मनमानी करने लगते हैं और वो फिर जनता के हित में बात नहीं हो पाती है। चलिए ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।